नमस्कार, मैं संजय डोला। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज। इस वक्त हम पुंडरी हलके में मौजूद हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। उस साइड चलिए कैमरामैन, और उस साइड से दिखाइए दूर से एक बार। हाथों में झंडे लेकर जय श्री श्याम जय श्री राम लिखा हुआ है झंडों के ऊपर, और बालाजी की मूर्ति है और श्री श्याम जी की मूर्ति है जो यहाँ पर झंडों के ऊपर है, जो लिखी हुई है निशान जो उठाया यानी। और बता दे कि काफ़ी लोग यहाँ पर है, और ये यात्रा है जो बता दे कि सिसमोर जाएगी। क्या धाम है, क्या विशेषता है वहाँ की, किस तरह से हम उन लोगों से भी बात करेंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चों के भी हाथ में झंडा है, और जो राधा कृष्ण जी की मूर्ति है यहाँ पर देखिए, कैमरा मैन से कहूँगा कि जूम करके दिखाए, यहाँ पर लगी हुई है। जो यहाँ पर भगत हैं वो यहाँ पर हाथों में झंडे लेकर यात्रा, और साथ में उस कैमरा मैन से दिखाऊंगी, साथ में डीजे भी चलेगा और उनके जो गाने वो बजेंगे, और यहाँ पर जो भक्ति गाने वो बजते हुए यहाँ पर जाएंगे। किस तरह से यहाँ पर बता दे कि गाड़ियों के अंदर भी उस साइड दिखाई, कैमरा मैन से कहूँगा कि हाथों में झंडे लेकर भगत है जो यहाँ पर खड़े हुए हैं सड़क पर, और बात करने का प्रयास करते हैं जो भगत जन है वो आखिरकार कहाँ जा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर कहाँ जा रहे हो हाथों में? हम सिसमर धाम पे जा रहे हैं जी, बालाजी मंदिर। हाँ, तो क्या विशेषता है वहाँ की? वहाँ की विशेषता अपना मुरारी लाल जी का मंदिर है, वहाँ की ये विशेषता है जी, दादा मुरारी लाल जी। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ पे जा रहे हो सर? सिसमोर धाम गुरु मुरारी का धाम श्री बालाजी मंदिर। क्या विशेषता है जी वहाँ की? विशेषता तो इसमें है, सब कुछ बना रखे। और ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? और हरिद्वार से, हरिद्वार से शुरू हुई है, सिसमोर धाम में जाएगी। बिल्कुल जी, क्या कहना चाहोगे आप? ये कहना चाहता हूँ भाई, जब से इसके साथ जुड़े हैं नहीं, जब से मौज है किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मैम तो नो कहा, इसके साथ सबको जुड़ना चाहिए जी। बिल्कुल, ये कहानी है। तो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बेटे कहाँ पे जा रहे हो? सिसमोर धाम। सिसमोर है, आप भी साथ में चले थे? हाँ। अच्छा, तो हाथों में झंडा है, हरिद्वार से चले थे? और यहाँ से चले? अच्छा, पुंडरी। हाँ, पुंडरी सिसमोर के लिए। तो यहाँ पर हाथों में झंडे लेकर ये भगत हैं, और भगत जन है जो तो यहाँ पर भगत में जैसे कि आपने जोश देखा है, और उस साइड आपको दिखाएं कि महिला भी है यहाँ पर, साथ में महिला भी आई हुई हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। कहाँ पे जा रहे हो जी? सिसमोर धाम। सिसमोर धाम है, क्या विशेषता है वहाँ की? हमारे गुरुजियों के पास जा रहे हैं जी। गुरुजियों के पास? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे जी, कहाँ पे जा रहे हो? सिसमोर धाम। सिसमोर? हाँ जी। क्या विशेषता है वहाँ की? ये कल से यात्रा जी। ये यात्रा कहाँ से चली है? ये खाटू श्याम से। खाटू श्याम। क्या कहना चाहोगे जी? मैम वहाँ पर गुरु जी की चरणों में जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे जी? सहरसा से आज कुरुक्षेत्र साइड से आज गुरु जी सिसमोर धाम कलश यात्रा, वहाँ हमारे गुरु जी का आदेश है, वहाँ जाना चाहते हैं। तो कैमरामैन से कहूँगा कि उस साइड दिखाइए, आगे डीजे है जो भक्ति गाने यहाँ पर बजेंगे डीजे के अंदर, और उस साइड भी देखिए काफ़ी लोग हैं हाथों में झंडे लेकर एक भक्ति के रूप में यहाँ से चले हैं, और ये जो है सिसमोर जाएंगे, और मंदिर बताया जा रहा है कोई इनके गुरु जी का यानी भगवान जी का मंदिर है कोई, वहाँ पर बहुत सारी मान्यताएँ हैं। और इस साइड देखिए कैमरामैन से कहूँगा कि इस साइड भी दिखाइए, और महिलाएँ खासकर यहाँ पर महिलाएँ हैं जो काफ़ी संख्या में, महिलाएँ भी साथ में जाएंगी। और हमने बात की इन लोगों से, और क्या विशेषता थी पूरी जानकारी हमने ली, और चलिए हमने जो बात की वो भी हमने आपको सुनवाई। और दोबारा फिर कैमरामैन से कहूँगा कि गाड़ियों का काफिला है जो अब चलने को तैयार है, और थोड़ी देर में जो काफिला शुरू हो जाएगा, और ये जो गांव सिसमोर जाएगा ये काफिला, और साथ ही भगत जनों के हाथों में झंडे हैं, चाहे बालाजी की बात करें या फिर कृष्ण भगवान जी की बात करें। सिसमोर कल का भंडारा, तो यहाँ पर हमने बात किया जिस तरह से लोग हैं जो काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये काफिला चलेगा, और भगत है जो पैदल भी चलेंगे, कुछ गाड़ियों में भी चलेंगे। गाड़ियों का काफिला आप जहाँ तक नज़र दौड़ाओगे, कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ पर आपको खाटू श्याम जी के और साथ ही जय श्री राम जी के मंदिर है जो यानी झंडे हैं वो जो नज़र आएंगे। तो बने हमारे साथ, देखते रहिए कैथल 24 न्यूज़।